मैंने ये रूमर सुनी है, अफवाह सुनी है, हकीकत सुनी है, कहीं पढ़ा हुआ है कि आपकी जो मूवी है जैकपॉट, उसमें से एक गाना है, गाने का नाम तो मैं बताऊंगा नहीं फिलहाल, लेकिन कुछ सेंसर बोर्ड का कुछ झोल है, कुछ कर रहे हो लोग, ये क्या है सर? एक आपको कौन करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन करने का कोशिश कर रहा है, ये क्या हो रहा है? देखिए टू बी ऑनेस्ट, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जबरदस्ती मुझे इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यू नो, ये मुझे बताना चाह रहे हैं केपो कांड हो रहा है फिल्म के गाने के साथ। सर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये फिल्म में एक गाना है, ये फिल्म में एक गाना है जिसका नाम है एग्जैक्टली। लेकिन अब आपने ये सवाल मुझे पूछा है, यू नो आई एम नॉट लाइकिंग इट एट ऑल, ओके, बिकॉज इट्स अ लिटिल सेंसिटिव इशू फॉर मी। लेकिन फिर भी, नाउ दैट यू आस्क्ड मी द क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू आंसर इट टू ऑल ऑफ यू, बट बिफोर आई आंसर द क्वेश्चन आई वॉन्ट टू नो वन थिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, क्या हमारा देश सही में आजाद हुआ है? Tell me, is our country independent? Exactly. My point here that everybody feels the same, and this is the future of the country. Our country is still not independent. Why? Because today in the morning, I was sitting at my house, and one of the people calls me up and tells me ke aapke film mein gana hai jo censor ne बैन कर दिया। अब मैंने कहा क्यों? Why have this banned my song? क्या गलत है उसमें? Because we are addressing the true shining India in that song. The true shining India, के इंडिया हिंदुस्तान की सच्चाई क्या है? I love my country India and I'm crazy about it and I will do anything for it. But मैंने चूज किया है कि मैं स्लेवरी नहीं एक्सेप्ट करूंगा। माई कंट्री इज इंडिपेंडेंट एंड नाउ यू गाइस शुड डिसाइड, यू डिसाइड वेदर आई एम सेइंग द राइट थिंग, एंड आई टोल्ड देम दैट आई विल स्टिल रिलीज अ सॉन्ग एंड माई कंट्री विल डिसाइड वेदर दिस सॉन्ग शुड बी बैंड और नॉट। आर वी ऑन फॉर इट? आर वी ऑन विद बाय? ओके चलो, वंस अगेन, मेरा भारत है महान। यार मैं कर स्कूल में नहीं गा रहा हूं। लेट्स सिंग इट अगेन, चलो सिंग इट विद मी। मेरा भारत है महान, फिर भी सब है परेशान, पैसा पावर ही पहचान, है सब बिकता यहां। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सचिन भाई, सनी, शारिफ, कैजाल, थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। मैंने जैसे आपको कहा कि मैं कानून की रिस्पेक्ट करता हूँ, उसी बहाने मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैंने ये गाना प्ले किया है एज अ क्रिएटिव टैलेंट, मेरे पास कहीं पे भी रिटन कोई मना या बैन का या ऐसा कोई भी मुझे लेटर नहीं आया, लेकिन जो रिस्पॉन्स ऑफ द लेटर ऑफ द कफ मुझे जो मिला है आज सुबह 3:30 बजे, मैं उसके आधार पर आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये गाना ज़रूरी था कि मैं इसको सेंसर कराऊं और टीवी पे रिलीज़ करूं। तो जो मुझे अनऑफिशियल उनकी तरफ से कमेंट मिला है उस पर मैं रिएक्ट कर रहा हूं। अगर वो चाहें बिल्कुल बैन कर सकते हैं, उनका प्रेरोगेटिव है, आई विल रिस्पेक्ट दैट, बट एज अ फ्री इंडियन मुझे कंटेस्ट करने का पूरा राइट है। आई डोंट नो इफ आई एम टारगेटेड, अगेन इट्स अ सेंसर बोर्ड्स जॉब टू सी व्हाट्स फिट फॉर टेलीविजन, व्हाट्स फिट फॉर सिनेमा, व्हाट्स फिट फॉर यंग एडल्ट्स टू वॉच। दिस इज अ मूवी दैट्स नॉट अ सर्टिफिकेट मूवी, सो दे हैव टू बी रियली केयरफुल ऑन व्हाट द सब्जेक्ट मैटर इज, एंड इट्स रियली दैट्स देयर जॉब। बट एट द सेम टोकन, आई डोंट थिंक देयर्स एनीथिंग इन दिस मूवी दैट रिक्वायर्स सेंसरशिप। इट्स अ वेरी नाइस, यू नो, फैमिली मूवी दैट एवरीबॉडी कैन वॉच एंड सी। आप मेरे ख्याल से आप बेहतर बता पाएंगे कि मतलब शायद मैं समझता हूँ मेरी किस्मत में लड़ झगड़ के ही आगे बढ़ने की लिखी हुई है, शायद मेरी किस्मत में लिखा हुआ है कि आसानी से कुछ नहीं मिलना, ना सक्सेस, ना कुछ भी जो मिलना। तो जैसा ऑडियंस समझे, मैं तो यही समझूंगा कि मैं अपनी मेहनत करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ।